हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो पीछे हमारा CGL CHSL में आया और बहुत साल पहले कैट में भी आ चुका है और ये IBPS के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने से आपको क्या होगा कि और भी बहुत सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में जाना है और पहले टेबल ट्रिक सीखनी है अच्छे से। और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक डाल दूंगा जो आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले देखने हैं, क्योंकि उन वीडियोस के बेसिक्स ट्रिक्स जो हमारी हमने करी हैं वो यूज़ होंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी 10 मंथ्स एंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो गिवन एज ₹4096। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए भाई, 2.5 ईयर्स में मंथ्स कितने होते हैं बताइए? 30 मंथ्स हो गए ना, 2.5 ईयर्स में 30 मंथ्स हो गए। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 2.5 साल में अच्छा सी बात है 30 महीने हो गए। और जो इंटरेस्ट है वो हर 10 महीने के बाद लग रहा है, और 30 महीने में कितनी बार लगेगा बताओ? 3 बार लगेगा ना। तो मैंने टेबल ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ऐसी लाइनें बना ली। टेबल ट्रिक आप जरूर देखना तो आपको समझ आएगा। अब 3 बार इंटरेस्ट लगना है, 10 महीने के बाद लग रहा है 30 महीने में, पहले 10 महीने के बाद यहाँ, दूसरे 10 महीने के बाद यहाँ, तीसरे 10 महीने के बाद यहाँ, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 30 महीने का हमारा इजली निकल आएगा। अब बच्चे एक गड़बड़ और कर सकते हो आप, रेट जो है वो 15% पर एनम है जबकि हमें तो हर 10 महीने के बाद कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप बताइए कैसे करोगे? लॉजिकली अगर आप सोचो तो 12 महीने का जो ब्याज है वो 15% पर एनम के हिसाब से है ना रेट, तो 10 महीने का कितना हुआ? अच्छा, हर महीने का कितना हुआ? 15/12, और 10 महीने का कितना हुआ? 15/12 × 10 कर लेंगे तो ये कितना आएगा सोचो, 12.5% आएगा ये? 3 5 3 4 5/4 × 10, 12.5% कितने महीनों की है ये? 10 मंथ्स के लिए है ना, हर 10 महीने के बाद आपको 12.5% मिलेंगे। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है सबको मालूम है, 1/8 होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 12.5% क्या होता है? 1/8। शाबाश। अब प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 4096। अब जो पहली साइकिल है 10 महीने की, उस अब वो जो सारा है वो सारा उस टेबल ट्रिक में देख लेना आप जो मैंने सिखाया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहली बार जो 10 महीने के लिए 4096 पे 12.5% लगेगा, तो 4096 का 12.5% यानी कि 1/8 करोगे तो 512 आ जाएगा। करो लॉजिकली सोचो, 8 का क्यूब 512 होता है और 8 की चौथी पावर 4096 होता है। 1/8 करने का मतलब आप 4096 में से एक 1/8 × 8 हटा रहे हो तो 512 ही रह गया है ना। अब दूसरी साइकिल पे आते हैं। दूसरी साइकिल पे 4096 का 12.5% तो लगना ही लगना है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो यही लॉजिक होता है ना, पिछले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो इस 512 का भी 1/8 करेंगे, 12.5% करेंगे तो 64 आ जाएगा है ना। अब तीसरे साल फिर 4096 का 512, और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर ये कहता है पिछले जितने भी इंटरेस्ट है उन सब पे भी लगाओ, तो इस 512 का 1/8 64, इस 512 का 1/8 64, इस 64 का 1/8 बताओ 8 आ गया। ठीक है, अब ये जितना भी इंटरेस्ट आएगा सबको आप ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आपका जो ऐड करके आएगा 1736 आएगा, यही हमारा आंसर है। ऐड करके देखो यार, 512 को 3 बार ऐड करो, 1536 तो यही हो गया है ना, और 8 ये और ऐड कर लो 1544, और 64 को 3 बार ऐड करो 192, तो 1544 और 192 को अगर आप ऐड करोगे, 4 2 6 9 4 13, ठीक है ना, 5 2 7, और 1736 रुपीज़, 1736 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है
रुपीज़ 1736। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और घुमा फिरा के जैसे मर्जी आ जाए, या तो चलो 12.5% निकाला तो 12.5% पे अगर वो आप सक्सेसिव वाला तरीका भी लगाना चाहते हो, मेरे एक वीडियो में वो भी है, लेकिन क्या है कि 12.5% पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करने से 3 बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अगर यहाँ पे 12.5 की जगह कोई आसान सी वैल्यू आ जाती ना, 10%, 11%, 14%, 15%, तो 3 बार वो सक्सेसिव कर सकते हो, जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।